पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, जिनकी मौत के बाद से उनके फैंस लूप में उनके गाने सुन रहे हैं। आज सिद्धू का आखिरी गाना रिलीज हुआ है उनकी डेथ के इतने दिनों बाद। इस गाने की चर्चा सोशल मीडिया पर कई दिनों से चल रही थी। गाने का नाम है SYL। इसे मूसेवाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया और रिलीज होने के बाद से ये गाना सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। गाने का नाम SYL यानी सतलज यमुना लिंक पर रखा गया है। गाने में इसी नहर विवाद को उठाया गया है। ये गाना सिद्धू ने ही लिखा था। शाम 6 बजे रिलीज हुए इस गाने को अभी तक करीब 10 लाख लोगों ने देख लिया है। करीब 4 मिनट के इस गाने को जब YouTube पर स्ट्रीम किया गया तो उस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग पर 10 लाख के करीब व्यूअर्स थे। इसमें कोई डाउट नहीं कि आज रात या कल सुबह तक ये गाना YouTube पर नंबर एक पर ट्रेंड करने लगेगा। जानते हैं इस गाने में क्या है। सिद्धू मूसेवाला के इस गाने में नदियों के पानी को बचाने की अपील की गई है। पूरे गाने में ग्राफिक्स से पंजाब की नदियों को दिखाया गया है, पानी की किल्लत को दिखाया गया है। सिद्धू मूसेवाला के कुछ पुराने विजुअल्स भी गाने में देखने को मिल रहे हैं। उनके फैन लगातार कमेंट करके सिद्धू को याद कर रहे हैं। आपको सतलज यमुना नहर विवाद के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज यमुना लिंक नहर हमेशा से एक सियासी मुद्दा बना रहा। इस विवाद की शुरुआत साल 1976 में हुई, जब केंद्र सरकार ने हरियाणा को वादा किया था कि उसे इस नहर के जरिए 3.5 mm पानी दिया जाएगा। उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला आकर उस समय इस नहर का इनॉग्रेशन किया। साल 1985 में पंजाब ने इस नहर को बनाने की सहमति दे दी, मगर अगले 10 सालों तक कोई निर्माण नहीं हुआ। फिर हरियाणा हार कर सुप्रीम कोर्ट चला गया और शिकायत की कि पंजाब इस नहर को बनाने में कोई सहयोग नहीं दे रहा है। इसी नहर निर्माण पर सिद्धू मूसेवाला का ये गाना रिलीज हुआ है। 29 मई की शाम सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके इस आखिरी गाने को रिलीज करने से पहले सोशल मीडिया पर इस गाने की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके बाद ही फैंस सिद्धू के आखिरी गाने का इंतजार कर रहे थे। आपके लिए खबर लिखी हमारी साथी मेघना ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।